17 मई 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य की कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद मानो हमारे देश भारत की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों, यह वह दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत के इतिहास तो हजारों साल पुराना है, सदियों से यहाँ पर जनपद साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने राज किया, तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 ईस्वी में कर सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी आए वो हमेशा से ही भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रे से होकर आए थे। लेकिन 17 मई साल 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत की केरल राज्य कालीकट तट पर पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस समय भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, विशेषकर अपने मसालों के लिए, जैसे कि काले मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि, जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों जैसे भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार केवल स्थलीय मार्ग से ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे। मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार नहीं करने देते थे, लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने के बारे में और यहाँ की दौलत के बारे में सुनते तो वह भारत पहुँचने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न शुरू किया। कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती थी। इससे कई लोगों का मानना था अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले गए तो नाव समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर गिर जाएगी, इसलिए बहुत से नाविक समुद्र में बहुत लंबा सफर तय नहीं करते थे। लेकिन फिर 1460 के दशक में पुर्तगाल शहर के सिंध शहर में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग ढूंढकर यूरोप के सामने व्यापार का एक नया दौर शुरू किया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ भारत की खोज का सफर। दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1460 के दशक के आसपास ही पुर्तगाल में हुआ। उनके पिता, जिनका नाम इस्तेवा था, वो एक अच्छे नाविक और खोजकर्ता थे। वास्को डी गामा का सारा बचपन अपने पिता के साथ एक नाविक के तौर पर बीता। फिर सन 1480 में वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली नौसेना में शामिल हुआ। यहाँ पर उन्होंने नाव चलाने का एक एडवांस तरीका सीखा और लंबी समुद्री यात्रा करना भी सीखा। फिर उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिन्हें हेनरी द ग्रेट नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उत्तर और पश्चिम में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया, जिस वजह से बहुत से नाविक इन द्वीपों को खोजने की कोशिश किया करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्टोलोम डायस ने अफ्रीका की दक्षिणी सिरे तक यात्रा करके यह पता लगा लिया कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वास्को डी गामा, जो यात्राओं एवं खोजबीन में गहरी दिलचस्पी रखता था, वह जानता था कि यदि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जुड़ते हैं तो वह अफ्रीका से दूर दक्षिणी कोने पर मौजूद कैप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज सकते हैं। जिसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाजों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू की। वो खुद 2000 टन वजनी सेंट गैब्रियल नामक जहाज में सवार हुए और अपने छोटे भाई पॉल को फ्रंट रो फिल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उनका जहाजी बेड़ा मोरक्को देश के निकट स्थित कैनरी द्वीप से गुजरते हुए केप वर्डी द्वीप समूह पहुंचा और वहां 3 अगस्त तक रुका रहा। आपको बता दें कि ये लोग जहाज पर अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के स्तंभ लेकर आया करते थे, जिससे ये लोग अपने माँ को चिन्हित करते थे और विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर स्थापित कर दिया करते थे, जिससे उन्हें वापसी का रास्ता मालूम हो सके। वास्को डी गामा ने गिने की खाड़ी की तेज धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर पर लंबा चक्कर लगाया और फिर कैप ऑफ गुड होप के दौरे के लिए पूर्व की ओर एक मोड़ ली। यह भारतीय खोज में उनकी पहली सफलता थी। फिर 7 नवंबर को उनका बेड़ा आज के दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेना में पहुंचा। उस समय वहां का मौसम बहुत खराब था, वहां बहुत तेज हवा और समुद्री लहरें चल रही थी, जिस वजह से वास्को डी गामा का दल अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और कैप ऑफ गुड होप पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस जगह का दौरा किया। दोस्तों, आपको बता दूं, कैप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि उनका भारत तक पहुंचने का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है और फिर मार्ग को चिन्हित करने के लिए पहले की भांति पत्थर पर स्तंभ स्थापित किया और आगे की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। कैप ऑफ गुड होप की आगे की यात्रा 8 नवंबर को शुरू की गई और क्रिसमस आने तक वे अफ्रीका के निडाल तट तक पहुंच गए।
अलग अलग नदियों को पार करके वास्को डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक तक पहुंच गया। इस बीच में वे लगभग एक महीने तक एक स्थान पर रुके और वहां पर उन्होंने अपने जहाज की मरम्मत का काम भी किया। फिर 2 मार्च 1498 को वास्को डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा। जब वास्को डी गामा अपने दल के साथ मोजाम्बिक की धरती पर उतरा और वहाँ के निवासियों से मिला तो उन्हें लगा कि ये पुर्तगाली जहाजी भी उन्हीं की तरह मुसलमान हैं। इसलिए उन लोगों ने उनकी खूब मदद की। वास्को डी गामा का मोजाम्बिक में पड़ाव डालना काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। वहाँ उससे समुद्र के किनारे बंदरगाह पर सोने चांदी तथा मसालों से भरे हुए जहाज दिखाई दिए। उसकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इससे वास्को डी गामा को पूरा विश्वास हो गया कि वह उचित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। उसे उस दिशा को समझने में भी मदद मिली। अब उसे आगे बढ़ना था। फिर 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मुम्बासा में प्रवेश कर गया और उन्होंने अपना पड़ाव मुम्बासा के मालिंदी में डाल दिया। मालिंदी में वास्को डी गामा की मुलाकात कांजी मालक नामक गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट के कालीकट जाने का रास्ता जानता था। उस गुजराती नाविक के महत्व को देखते हुए वास्को डी गामा ने उसे भी मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में शामिल कर लिया और अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चल के वास्को डी गामा को धीरे धीरे भारत की घाट और पहाड़ दिखने लगी। 17 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम स्थित कालीकट बंदरगाह पर जा पहुंचे। कालीकट में स्थानीय राजनयिकों द्वारा वास्को डी गामा का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। वह यहाँ लगभग 3 महीने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करी। दोस्तों, वास्को डी गामा के भारत आने और उसके कालीकट तट पर उतरने के बाद भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके बारे में अभी भी लोगों में सहमति नहीं हो पाई है। दोस्तों, यहाँ 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा 2 साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पुनः लिस्बन लौट आया। इस दौरान उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की। और दोस्तों, आपको बता दें, इस लंबी साहसिक यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे जिसमें से 116 की यात्रा के दौरान ही मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा की उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने वास्को डी गामा को 1502 में भारत की यात्रा पर फिर से भेजा। इतिहासकारों का मानना है जब वास्को डी गामा विभिन्न प्रकार के भारतीय मसालों और रेशम के साथ अपने देश पुर्तगाल लूटा तो उसे केवल मसाला बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए। दोस्तों, फिर 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु कालीकट तट पर हो गई जब वह तीसरी बार भारत यात्रा पर आया हुआ था और कई इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों, जब वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच का समुद्री रास्ता खोज लिया तब वास्को डी गामा का नाम पूरे यूरोप में बहुत मशहूर हो गया और उसकी साहसिक यात्रा की चर्चा सभी यूरोपीय देशों में होने लगी तथा धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसे खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए, जिस वजह से पुर्तगालियों के बाद डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हो गए। उसके बाद आगे के दशक में भारत में जो भी हुआ वह हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत यूरोपीय देशों की कॉलोनी बन गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।